हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबके लिए एक न्यूज़ लेके आई हूँ जो कि काफ़ी सैड न्यूज़ है आप सबके लिए, क्योंकि ये न्यूज़ इतनी ख़राब है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था जब मुझे पता चला था कि NTA एग्ज़ाम लेने जा रही BHU का, तो मैंने उसी दिन आपको वार्न कर दिया था कि NTA पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। NTA कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, आपका पैटर्न भी चेंज कर सकती है, आपके आपके क्वेश्चन पेपर में गलत क्वेश्चंस भी डाल सकती है, कुछ भी कर सकती है आपके साथ वो। तो जिनने वो वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वही हुआ जिस चीज़ का डर था। NTA ने अपनी होशियारी दी है इस चीज़ में। तो NTA ने क्या किया, हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं आगे चल के। आपके न्यूज़पेपर में क्या आया है, पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। जैसा पता है कि जैसे BHU हो गया, DU हो गया और BBAU, इन तीनों के क्या कर रहे थे, इन तीनों के एग्जामिनेशन के जो डेट हैं वो क्या है, कोलैप्स कर रहे थे। तो NTA ने बोला था कि अगर ऐसे एग्ज़ाम के डेट जो है कोलैप्स कर रहे हैं तो आप जो है एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और एक एविडेंस के थ्रू आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं जिसका भी आपने फॉर्म भरा है। तो बच्चों ने उसके रिगार्डिंग अपनी कंप्लेन सबमिट करी। NTA ने बोला कि हम उसमें कुछ देखेंगे, हम चेंजेस करेंगे, शेड्यूल में चेंजेस करेंगे, हम एग्ज़ाम के डेट में हम चेंजेस करेंगे। पहली मिस्टेक तो NTA ने यही कर दी कि जब आपको पता है कि बच्चे एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कोई नहीं देता, अगर मैं हूँ तो मैं BHU का सिर्फ फॉर्म नहीं भरूंगी, मैं BHU का भी भरूंगी, DU का भी भरूंगी, BBAU का भी भरूंगी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी मैं एक फॉर्म भरूंगी। तो जब मैंने पता था कि बच्चे जो है मल्टीपल्स यूनिवर्सिटीज़ के जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अब बच्चा एक टाइम पे 10 जगह तो जा नहीं सकता पेपर देने के लिए, तो इन्होंने एक ही टाइम पे क्या कर दिया, सबका एग्ज़ाम रख दिया, सेम डेट पे सबका एग्ज़ाम रख दिया, तो जिससे बच्चों को दिक्कत हुई। तो जब आप पहली चीज़ तो आपने यही गलती कर दी कि आपको जो है डेट डिसाइड ढंग से करनी थी जिससे बच्चों के जो है डेट क्या कोलैप्स ना हो और बच्चों को दिक्कत ना हो। वो बच्चों ने किया आगे, NTA के अकॉर्डिंग पे क्या एक्शन लिया हम वो देखते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई है, आप जाके इस न्यूज़ को देख सकते हैं जाके। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो BBAU और BHU का जो कोलैप्स हो रहा है, तो इन्होंने ये बोल दिया है कि BBAU के एग्ज़ाम के ही थ्रू आपका क्या है DU में एडमिशन होगा, जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। BHU अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, BHU का खुद का पैटर्न है, BHU का खुद का सिलेबस है, BBAU का सिलेबस डिफरेंट होता है, उनका पैटर्न डिफरेंट होता है, उनका टाइमिंग डिफरेंट होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल BHU का डिफ़िकल्टी लेवल अलग रहेगा क्वेश्चंस का, BBAU का अलग रहेगा, दोनों का सिलेबस अलग होगा। अब जब आपने ये बोल दिया कि BBAU के थ्रू ही BHU में आपका एडमिशन होगा, तो आपने कितनी बड़ी बात बोल दी है ये। क्योंकि अगर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ BHU के लिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करूँगी, मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगी, उसका सिलेबस कंप्लीट करूँगी, मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी मैं। अब आपने जब ये चीज़ बोल दी है तो बच्चा करेगा क्या, दोनों में ही सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है, तो बच्चा कुछ और भी नहीं कर सकता है। अब एंड मोमेंट में आपने ऐसा बोल दिया कि बच्चा कुछ कर भी नहीं पाएगा अब तो, कि सिलेबस ही कुछ अपना देख ले अलग से या कुछ और कर दे। अब जब आपने दोनों यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम को मिक्स कर दिया है, तो समझ में भी नहीं आएगा बच्चे को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि NTA आपका पैटर्न भी चेंज कर सकता है, जो कि उन्होंने किया है। आप जाके अब आपको अब इस टाइम पे अब आप कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकते या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते, आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करके जाके आप एग्ज़ाम का पेपर दीजिए। और मुझे एक चीज़ ये पता है बहुत अच्छे से, अगर कोई भी बच्चा अपना एक साल देखे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, 4 महीने 6 महीने देखे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसको लास्ट मोमेंट पर ऐसी खबर मिले, तो मुझे पता है उसको कितना ख़राब लगता है। अब आपकी जो भी मेहनत है 5 या 6 महीने की, जो भी आपकी मेहनत है, अब वो तो पूरी वेस्ट चली जाएगी। एक तरीके से जो आपका रिजल्ट आना चाहिए था उससे तो आपका कम ही आएगा रिजल्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपको जो है NTA की वेबसाइट पे जाके आपको कंप्लेन करनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ ये भी बता देती हूँ बच्चों, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई भी एक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट का कुछ भी एक्शन नहीं होता है इस पे। ऐसे ही BSc एग्रीकल्चर के बच्चों ने भी ऐसा किया था कि उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था तो पैटर्न चेंज हो गया था, तो उन्होंने अपनी कंप्लेन फाइल करी थी और यूट्यूब पे भी इसका चला था, बट कुछ हुआ नहीं था, बच्चों का ही नुकसान हुआ था उसमें, और NTA कुछ भी आपका एक्शन नहीं लेगी। और मैं आपको जो लिंक थी जिस वीडियो की, जिसमें मैंने आपको NTA के बारे में बताया था, मैंने उसमें बताया था कि अगर पैटर्न चेंज कर देती है NTA तो आपको क्या करना है, तो जाके आप वो देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। और कुछ भी करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, और हम देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और इसमें आगे भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लग के बता सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए, और जो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वो जाके देखिए, और आप उसमें समझिए कि अगर आपका पैटर्न चेंज हो जाता है या अगर कुछ टाइमिंग वाइमिंग में दिक्कत होती है आपको, तो आपको कैसे एग्ज़ाम देना है वो जाके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आकर आपको पेपर कैसे देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।